हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है लवण, सॉल्ट्स। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लवण, सॉल्ट्स क्या हैं। लवण, सॉल्ट एक यौगिक है जो एक अम्ल में हाइड्रोजन को धातु मेटल द्वारा प्रस्थापित करने से बनता है। आइए अब हम लवण के बारे में और विस्तार में जानें। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब यदि हम इस अम्ल के हाइड्रोजन H को एक धातु सोडियम Na के परमाणु से प्रस्थापित करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण प्राप्त होगा। ये सबसे ज्यादा जाना जाने वाला लवण है और ये वही नमक है जिसका हम रसोई में उपयोग करते हैं और जिसे साधारण नमक कॉमन सॉल्ट के रूप में जाना जाता है। लवण, सॉल्ट, अम्ल, एसिड और क्षारक बेस की अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लवण के दो जनक हैं, एक अम्ल और एक क्षारक। अतः लवण के नाम में दो भाग होते हैं। लवण के नाम का पहला भाग क्षारक के नाम से लिया जाता है और लवण के नाम का दूसरा भाग अम्ल के नाम से आता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड लवण, सोडियम, ये नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है जो एक क्षारक है, और क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आता है जो एक अम्ल है। दोस्तों चलिए अब हम लवण के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। लवण ज्यादातर ठोस होते हैं। लवण के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट अधिक तापमानों पर होते हैं। ये आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं। अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की तरह जल में लवण के विलयन उनमें उपस्थित आयनों के कारण विद्युत को प्रवाहित करते हैं। लवण आयोनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। प्रत्येक लवण में एक ऋणात्मक आवेशित ऋणायन एनायन और एक धनात्मक आवेशित धनायन कैटायन होता है। उदाहरणतः एक लवण NaCl में Na+ धनायन कैटायन और Cl- ऋणायन एनायन होता है। चलिए अब हम लवण के विभिन्न परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों ही लवण एक ही परिवार के हैं जिन्हें सोडियम लवण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों में समान रूप से धनात्मक आवेशित आयन Na+ सोडियम आयन होते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड एक ही परिवार के हैं क्योंकि उनमें समान ऋणात्मक आयन अर्थात Cl- आयन है। लवण के कुछ महत्वपूर्ण परिवार हैं सोडियम लवण, कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, जिंक लवण, कार्बोनेट लवण और एसिटेट लवण। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो है लवण विलयनों का पीएच। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लवण, एक अम्ल और एक क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, इसलिए हम लवण को प्रकृति में उदासीन न्यूट्रल होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कई लवणों का विलयन उदासीन होता है लेकिन कुछ लवण
जल में घुलने पर अम्लीय, एसिडिक या क्षारकीय बेसिक विलयन उत्पन्न करते हैं। कुछ लवण के विलयनों के अम्लीय अथवा क्षारकीय प्रकृति को लवण के जलीय विश्लेषण हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के द्वारा समझाया जा सकता है। सबसे पहले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के विलयन उदासीन होते हैं, यानी उनके पीएच का मान 7 होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए ये एक उदासीन लवण न्यूट्रल सॉल्ट का उत्पादन करते हैं। अगला, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय विलयन जिनके पीएच का मान 7 से कम होता है उत्पादित करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण अमोनियम क्लोराइड की मदद से समझते हैं। ये एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा बनता है और इसलिए ये लवण प्रकृति में अम्लीय है। अंत में दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण क्षारकीय विलयन या क्षार उत्पादित करते हैं। दूसरे शब्दों में इनके पीएच का मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट लवण एक दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल और एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और इसलिए प्राप्त लवण प्रकृति में क्षारकीय है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। जैसे एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादक में विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज की फैक्ट्री, रासायनिक उद्योग तथा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एवं कपड़े धोने का सोडा वॉशिंग सोडा के उत्पादन में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लवण सॉल्ट्स के बारे में अध्ययन किया।